कुंवर बेचैन ने कभी कहा था कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। कहने को एक पैर से, कहने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, कहने को एक पैर से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो ये दोनों जो कदम है वो हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है, और हिंदू मुसलमान जो इस मुल्क हिंदुस्तान की बुनियादें हैं उन्हें उसी खुलूस मोहब्बत के साथ, उसी खुलूस प्यार के साथ, इस अमन अमान के साथ इसी मुल्क हिंदुस्तान में रहना है। आइए दोस्तों, अब फिर जैसा कि आप बड़ा लुत्फंदोज हुए थे जब शहर मकनपुर की आपने गुफ्तगू समाप्त की, अब फिर बारी आ चली है कि शहर मकनपुर के एक नौजवान शायर से मुलाकात की जाए, जिसके बड़े ही मशवरे, बड़ी ही मेहनतें, बड़ी ही काविशें इस शहर फरुखाबाद में मुशायरा मुनक्किद करने में होती है। वो शायर जो हमारे इस मुशायरे की इस्मत और मुशायरे के इस अजमत में इजाफा कर देगा, वो शायर जिसका हिकमत से ताल्लुक है, मेडिकल से इसका ताल्लुक है, और उसे एक कमाल हासिल है कि वो सामईन की नफ्स को बहुत जल्दी टटोल लेता है और उस पर दस्ते शफकत रख के सामईन की उम्र में भी इजाफा कर देता है और सामईन को जिंदगी भी अता कर देता है। वो नाम है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के महबूब मुमताज शायर जनाब डॉक्टर आसिम मकनपुरी का। मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूँ सालिम शुजा का ये शेर कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, गजल पे आए तो मतले में काम कर देंगे, तुम एक उम्र से तमहीद लिख रहे हो शुजा, हम एक लफ्ज में किस्सा तमाम कर देंगे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब सैयद डॉक्टर आसिम मकनपुरी। मैं किसका नाम पुकारूं, मैं किसका नाम न लूं, यहां तो बज्म में जो भी है कयामत है। शुक्रिया सोशल वेलफेयर सोसाइटी, आफाक भाई, फैसल भाई, आरिफ भाई, पुष्पेंद्र भाई, जहाँ जहाँ तक शर्जील भाई, जो नाम याद आ रहे हैं, जो चेहरे दिख रहे हैं, सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ सदर आलम खान से जाने के साथ। एक ताज़ा गज़ल, हिलाल भाई ताज़ा गज़ल बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ पढ़ दूँ। मतलब हुआ है कि शहबाज भाई, साकी शराब जाम से आगे निकल गए शाहिद भाई, साकी शराब जाम से आगे निकल गए, मैं कश हर एक मकाम से आगे निकल गए, साकी शराब जाम से आगे निकल गए, मैं कश हर एक मकाम से आगे निकल गए। अब आपका शेर आपकी समातों के हवाले के, उसने भी हमको हंस के गले से लगा लिया, क्या कहें, उसने भी हमको हंस के गले से लगा लिया, हम भी दुआ सलाम से आगे निकल गए, उसने भी हमको हंस के गले से लगा लिया, हम भी दुआ सलाम से आगे निकल गए। शेर समाप्त करें शोरा हजरात के हवाले ये शेर कि उन पे कलंदरी के ना असरार खुल सके, क्या कहें, उन पे कलंदरी के ना असरार खुल सके, जो भी तेरे गुलाम से आगे निकल गए, जो भी तेरे गुलाम से आगे निकल गए। इसी सिलसिले का एक शेर समाप्त करें शहबाज भाई के, उनकी है जुस्तजू में उनकी चरागों की अंजुमन, क्या कहे, है जुस्तजू में उनकी चरागों की अंजुमन, वो काफिले जो शाम से आगे निकल गए, वो काफिले जो शाम से आगे निकल गए, है उनकी जुस्तजू में चरागों की अंजुमन, वो काफिले जो शाम से आगे निकल गए। एक मतलब कुछ शेर समाज करेंगे, आज उस शख्स को भी दिल से लगाना छोड़ा, आज उस शख्स को भी दिल से लगाना छोड़ा, आज उस शख्स को भी दिल से लगाना छोड़ा, जिसके खातिर था कभी मैंने जमाना छोड़ा,
जिसके खातिर था कभी मैंने जमाना छोड़ा। और मतलब सानी समाज करें बतौर खास, इधर वाले सो गए हैं, मतला समाज करें, जाग जाइए दोस्तों थोड़ा सा। अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अरे तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा। वाह वाह, अच्छा यासिन, वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह वाह वाह। तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा, अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अरे तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा। बहुत अच्छा है, ये शेर हाजिर कर रहा हूँ। अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अपना घर छोड़ा, गली छोड़ी, ठिकाना छोड़ा, अरे तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा, तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा। हिंदुस्तान के बेहद मशहूर और मारूफ शोरा हमारी फेरिस्त में हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं, जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब, वसीम राजूपुरी भाई और मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा पपलू साहब। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, सभी को शरीक करते हुए अजमल भाई शेर समाते हैं। शहबाज भाई, तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा। शेर के कर्ब को महसूस कीजिएगा, पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप पहुंच जाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे, हम तो कामयाब हैं शेर कहने में। शेर समाप्त करें। किसने मासूम के हलकूम को छेदा है, किसने मासूम के हलकूम को छेदा है, किसने मासूम के हलकूम को छेदा है, किसने प्यासे की तरफ अपना निशाना छोड़ा, किसने प्यासे। बहुत अच्छा है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आप भी शामिल हो जाइए दोस्तों इस इस्तकबाल में, अपनी तालियों से शामिल हो सकते हैं, वो तालियां ही आपका शायर के गले का हार होती है जी। मैं जहां तक देख पा रहा हूँ सलमान कबीर साहब भी बैठे हुए, शेर पेश करूँ। समाज करे तुझको छोड़ा तो तेरे साथ जमाना छोड़ा, किसने मासूम के हलकूम को छेदा है, किसने प्यासे की तरफ अपना निशाना छोड़ा, किसने प्यासे की तरफ अपना निशाना छोड़ा। अब तो गुलशन में बहारों का है मौसम आसिम, अब तो गुलशन में बहारों का है मौसम आसिम, अब तो गुलशन में बहारों का है मौसम आसिम, क्यों परिंदों ने है घर अपना पुराना छोड़ा, क्यों परिंदों ने है घर अपना पुराना छोड़ा। और एक गजल पेश कर रहा हूँ जी, आप अगर समझ जाएंगे मैं मतलब पढ़ता हूँ, कि जो तेरे अपने बने हुए हैं, जो तेरे अपने बने हुए हैं वो लोग सारे बने हुए हैं, जो तेरे अपने बने हुए हैं वो लोग सारे बने, वो लोग सारे बने हुए हैं, ये सब मुनाफिक है मान ले तू, ये सब मुनाफिक है मान ले तू, अभी जो तेरे बने हुए हैं, ये सब मुनाफिक है मान ले तू, अभी जो तेरे बने हुए हैं यही हकीकत बनेंगे एक दिन। क्या कहने,
यही हकीकत बनेंगे एक दिन जो आज सपने बने हुए हैं। यही हकीकत बनेंगे एक दिन जो आज सपने बने हुए हैं। गजल का मतलब आपकी समातों के हवाले के, तेरी दुनिया से अक्सर दूर होकर। क्या कहने, इस्तकबाल कीजिए दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो मिश्रा तो। तेरी दुनिया से अक्सर दूर होकर, तेरी दुनिया से अक्सर दूर होकर, तेरी दुनिया से अक्सर दूर होकर, रहा हूँ मैं बहुत मजबूर होकर, रहा हूँ मैं बहुत मजबूर होकर, बहुत रहा हूँ मैं बहुत मजबूर होकर। एक शेर की छोटी सी वजाहत, अहले इल्म का मजमा है, मैं समझ तो फिर भी जरूरी समझ रहा हूँ कि छोटी सी वजाहत एक शेर की। लाल भाई जी, एक सहाबी रसूल थे जो बेहद परेशान थे, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी से अपना जो उनकी परेशानी थी वो अर्ज करते हैं। अल्लाह के नबी उनसे कहते हैं, उनको एक कुल्हाड़ी अता करते हैं और कहते हैं जाओ लकड़ियां काटो, लकड़ियां काटो, उनको बेचो और उससे कुछ पैसा कमाओ खाओ। तो वो कुल्हाड़ी अल्लाह के नबी ने उन सहाबी रसूल को पेश की, वो उस कुल्हाड़ी की बरकत से अपना रोजगार शुरू किया, उन्होंने वो कामयाब भी हुए। दोबारा वो अल्लाह के नबी की बारगाह में जब हाजिर हुए तो अल्लाह के नबी ने उनको पहचाना, देखा कि उनके हाथ में वही मजदूर है, उनके हाथ में ढट्टे पड़े हुए थे। तो प्यारे आका ने उनके हाथों को बोसा दिया और वहीं से ये मेरा शेर, नबी ने हाथ को चूमा था जिसके, वाह वाह वाह, नबी ने हाथ को चूमा था जिसके, नबी ने हाथ को चूमा था जिसके, नबी ने हाथ को चूमा था जिसके, सिकंदर हो गया मजदूर होके, सिकंदर हो गया मजदूर होके, सिकंदर हो गया मजदूर। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। और ये आपका शेर आपकी समातों के हवाले, मियां लानत हो ऐसी शोहरतों पे, 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 अकेले रह गए मशहूर होकर, अकेले रह गए मशहूर होकर। बहुत अच्छा, अकेले रह गए मशहूर होकर। वाह वाह, जिसके लिए हुक्म है चार पांच शेर तहत में समाप्त कर लें, के जीस्त का नक्शा पलट कर रख दिया, जीस्त का नक्शा पलट कर रख दिया, मौत ने तख्ता पलट कर रख दिया। वाह, टॉस तो जीता था मैंने ही मगर, टॉस तो जीता था मैंने ही मगर, वक्त ने सिक्का पलट कर रख दिया। वाह वाह वाह, टॉस तो जीता था मैंने ही मगर, वक्त ने सिक्का पलट कर रख दिया, जिस पे उसकी जीत थी लिखी हुई, जिस पे उसकी जीत थी लिखी हुई, मैंने वो पासा पलट कर रख दिया, जिस पे उसकी जीत थी लिखी हुई, वाह वाह वाह, मैंने वो पासा पलट कर रख दिया। गजल का शेर समाप्त करें, जी शाह, दिल मेरा उसने चुराया और फिर, दिल मेरा उसने चुराया और, दिल मेरा उसने चुराया और फिर, नाम भी मेरा पलट कर रख दिया। वाह 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 भाई वाह वाह, दिल मेरा उसने चुराया और फिर नाम भी मेरा पलट कर रख दिया, के खामियां मेरी दिखाता था मुझे, क्या कहने, खामियां मेरी दिखाता था मुझे, मैंने आईना पलट कर रख दिया। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, मैंने आईना पलट कर रख दिया, वाह वाह वाह, खामियां बहुत शुक्रिया, खामियां मेरी दिखाता था मुझे, क्या कहने,
मैंने आईना पलट कर रख दिया। अब ये शेर तारीख के हवाले से मकता पेश कर रहा हूँ आफाक भाई कि ये भी आसिम है लिखा तारीख में। क्या कहें, ये भी आसिम है लिखा तारीख में। वाह, प्यास ने दरिया पलट कर रख दिया। वाह, ये भी आसिम है लिखा तारीख में, प्यास ने दरिया पलट कर रख दिया। हजरत ग्रामी, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का, आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा।